यूएमपी हेडशॉट ट्रिक, यूएमपी से हेडशॉट कैसे मारें, यूएमपी से ओनली रेड नंबर कैसे मारें, अगर तुम लोगों को इस बारे में जानना है तो तुम लोग सही जगह पे आए हुए हो। तो तुम लोग वीडियो को पूरा देखना, मैं आज इस वीडियो पे टॉप 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे कि तुम जो है यूएमपी से ओनली रेड नंबर मारो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पे नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो और जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। तुम्हें अपने दोस्तों को भी इस ट्रिक के बारे में बताना है और मेरे चैनल के बारे में बताओ। मैं इस यहाँ पे एक से एक टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ जिससे कि तुम फ्री फायर में लेजेंड नहीं प्रो प्रो एकदम गोड लेवल का बंदा बन सकते हो, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। यूएमपी से ओनली हेडशॉट मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने सेंसिटिविटी पर ध्यान देना होगा। तुम्हारा सेंसिटिविटी सेटिंग क्या है ये तुम्हें ध्यान से रखना होगा। और तुम्हें मैं बताता हूँ मेरा सेंसिटिविटी, मेरे अकॉर्डिंग जो है एक नंबर सेंसिटिविटी है कि तुम लोग अपना सेंसिटिविटी को 100 रखो, क्योंकि अगर हाई सेंसिटिविटी होगा तो तुम्हारा हेडशॉट लगने का चांस भी ज़्यादा होगा। अब चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट ट्रिक होने वाला है फायर बटन साइज एंड पोजीशन। हाँ, मैं फायर बटन साइज के बारे में बोल रहा हूँ और पोजीशन के बारे में कि तुम लोगों का फायर बटन का साइज और पोजीशन क्या होना चाहिए। मैंने इस टॉपिक पे एक जो है पर्टिकुलर वीडियो बना कर रखा है तो तुम लोग उसको जाकर देख सकते हो। मैंने उसमें अच्छे से बताया है कि तुम्हारा फायर बटन का साइज और पोजीशन क्या होना चाहिए, लेकिन मैं इसमें भी बता दे रहा हूँ। देखो, फायर बटन का साइज कोई मैटर नहीं रखता, तुम अपने अकॉर्डिंग जो है तुम्हारे कंफर्टेबल के हिसाब से तुम अपना फायर बटन का साइज रख सकते हो, लेकिन फायर बटन का पोजीशन बहुत मैटर करता है। तुम्हारा फायर बटन का जो पोजीशन है वो हमेशा इस एरिया में होना चाहिए ताकि तुम जो है अच्छे से ड्रैग कर सकते हो। तुम्हारा ड्रैग एरिया बहुत अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा तुम्हारा ड्रैग एरिया होगा उतना अच्छे से तुम हेडशॉट मार सकते हो। और नेक्स्ट ट्रिक हमारा होने वाला है एमिंग एरिया। हाँ, कि तुम्हें जो है यूएमपी से ओनली रेड नंबर मारने के लिए तुम्हारा एम को कहाँ पे सेट करना है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें एमिंग एरिया पता नहीं होगा तो तुम हेडशॉट नहीं मार सकते हो। तो देखो, एमिंग एरिया जो है ये पैरों के नीचे जो दिख रहा है वाइट एम, यहाँ से तुम मार सकते हो। तुम रेड एम करके मारोगे तुम्हारा हेड कम लगने का चांसेस है, लेकिन अगर तुम वाइट एम करके मारते हो तो तुम्हारा जो हेडशॉट लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखो, मैं पैरों के नीचे करके हमेशा हेड को मार रहा हूँ जिससे जो है मेरा हमेशा हेडशॉट ही लग रहा है। अब देखो, चौथा ट्रिक होने वाला है फास्ट रेक, कि तुम कितना फास्ट रेक कर सकते हो। तुम्हारा फास्ट रेक जितना अच्छा होगा तुम उतना अच्छे से हेडशॉट मार सकते हो, तुम्हारा मोमेंट भी उतना अच्छा होगा। तुम लाइक किसी प्लेयर देख लो, राइट स्टार या तुम वाइट एफएफ को देख लो या वाइट 444 को भी देख लो, वे सब जो है फास्ट रेक का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उनका हेडशॉट जो है नेक्स्ट लेवल का लगता है और ओनली वन टैप मार सकता है। या फिर यूएमपी से हेडशॉट मारने के लिए तुम फास्ट रेक का इस्तेमाल करना ही होगा तुम्हें, क्योंकि अगर तुम यूएमपी से फास्ट रेक नहीं मारोगे तो तुम्हारा जो है सब गोली रिकॉइल कर जाएगा और तुम्हारा एक भी गोली हेडशॉट नहीं लगेगा, सब बॉडी में फितर जाएगा, इसलिए तुम हमेशा जो है फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल किया करना। देखो, आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि तुम जो हो अपने एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाओगे। अगर तुम लोग अपने एक्यूरेसी को नहीं बढ़ा सकते हो तो तुम्हारा हेडशॉट जो है बहुत कम लगेगा। एक्यूरेसी बढ़ाने से तुम्हारा रिकॉइल जो है कंट्रोल होगा, इसलिए तुम्हें अपने एक्यूरेसी को बढ़ाना है, रिकॉइल कंट्रोल करना है। मैंने इस टॉपिक पे जो है एक वीडियो बना दिया है तो तुम लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, तुम लोग इतना वीडियो को मेरे देखते नहीं हो, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाया है। तो तुम लोग उस वीडियो को जाकर देख लेना, तुम लोग एक्यूरेसी के बारे में सब कुछ मैंने उसके बारे में बता दिया है, तुम लोग समझ जाओगे कि एक्यूरेसी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, अपने एक्यूरेसी को किस तरह से बढ़ाया जाता है। देखो, आज का वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भाई सपोर्ट दिखाओ। तुम लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हो इसलिए मैं पूरा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग सपोर्ट दिखाओ। अब चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।